ये हमारे राम है, ये देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा देख सकते हो चारों साइड से ओनली ऑन श्री राम का नाम हो रहा है। कुछ चारों साइड श्री हनुमान 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 ओनली ऑन भगवान। यहाँ भी भंडारा हो रहा है, पूरा भंडारा करवा रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दीदी को मैं छोड़ लिया हूँ अभी ऑफिस से निकलने के टाइम से, और मैं अभी फिलहाल तोरवा में हूँ और गाड़ी देखते तो हफ्ते नहीं। और आज 22 तारीख जो कि आज उद्घाटन का समय है हमारे राम मंदिर अयोध्या में, मैं निकल चुका हूँ अपने रूम के लिए। तो देखते हैं, अभी फिलहाल तोरवा से मेरे को जाना है सीधा सीधा कुडूडन मामाया चौक साइड। तो मामाया चौक में जाऊँगा, कुडूडन जाऊँगा, तो कुडूडन जाऊँगा। तो बीच में देखते हैं कौन कौन क्या क्या सजावट हुआ है हमारे बिलासपुर शहर में। आप सब देख ही सकते हो चारों साइड बिलासपुर का माहौल, चारों साइड जो है राम जी के आने का फुल जश्न मनाया जा रहा है, जो कि बहुत भीड़ भी है। और कहा जाए कि 22 तारीख को मस्त एकदम रखा गया है कार्यक्रम, अलग टाइम में मोड़ रहा गाड़ी वाला भी गाँव से रखता। तो चलते हैं देखते हैं। और चारों साइड देखो ये पोस्टर भी टंगी हुई है हमारी राम जी की, जय श्री राम। मोदी मोदी कौन है बगल में, कोई अच्छा यहीं के लिए कोई बाबा जी है। तो अपन भी यहाँ से राम जी के दर्शन करते हुए पूरा मार्केट का दर्शन लेंगे। और चारों साइड का माहौल आप देख ही सकते हो, जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान। चारों साइड जो है भोपाल है सिर्फ श्री राम का, बहुत ही आनंददायक और खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि राम जी जैसे वनवास मतलब काट के आते हैं, राम जी को मतलब लक्ष्मण है सॉरी सीता को जब वापस लेके आते हैं तो दिवाली मनाई जाती है। और दिवाली में दीपक वगैरह जलाए जाते हैं और रावण दहन कराया जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी वैसे ही लग रहा है। दिवाली के दिन भी ऐसे ही पूरा सिस्टम करवाते तो बहुत अच्छा था। चारों साइड दीप ऑरेंज ऑरेंज कलर के ही श्री राम भगवान रंगी दिखाई। दिवाली के दिन भी ऐसा होना चाहिए था, तब समझ में आता कि राम जी को इसी दिन वापिस आए थे। और ये पता नहीं कौन सा चौक है, चांदी पता नहीं भाई, देख रहे हो चारों साइड माहौल, चारों साइड गाने, चारों साइड भंडाराएं करवाए जा रहे हैं, चारों साइड खुशियों का माहौल है हमारे बिलासपुर शहर में। और बहुत भीड़ भी है। अभी साढ़े चार का समय हो रहा है, भीड़ है बहुत, पूरा भंडारा करवा रहे हैं। गाड़ी वाला भी रुक के भंडारा कर रहा है, वो भी बीच रात में रोक कर। तो आप भी आइए भंडारा खाइए सभी जगहों का, क्योंकि हर एक चौक हर एक जगह में हर एक दो एक किलोमीटर के दायरे में भंडारा हो रहा है हमारे बिलासपुर में। ये देखो सतरंगी मस्त दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। मेरे में ज्यादा नॉइस आ रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा नॉइस, हवे का ज्यादा साउंड आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं पहुंचूंगा आपका गांधी चौक, वहां भी हो सकता है कुछ प्रोग्राम हो भंडारा का प्रोग्राम। कल तो रैली निकाले थे और बहुत लोग देख रहे हो पीले पीले ऑरेंज ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के मस्त, ये देखो भंडारा यहाँ भी हो रहा है और इसके बाद वहाँ भी हो रहा है, चारों साइड भंडारा है करवा जा रहे हैं। देखो यहाँ भी भंडारा हो रहा है चारों साइड राम के,
जी, जो भगवान राम है हमारे भाई राम भक्त कमेंट में, राम भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलना। हर साइड गाने बज रहे हैं, श्री राम पूरे भारत में गूंज रहा है, श्री राम का नाम। ऐसे सिर्फ ऐसे इवेंट जो होते हैं वो सिर्फ हमारे भारत देश में ही होता है। गांधी चौक में कुछ खास सजावट तो नहीं किए गए हैं अभी, यार जहाँ जहाँ हुआ है सजावट किया गया था भाई कल। देखो गुब्बारों को देखो, ये गुब्बारे जो हैं फूले हुए थे, अभी जो है इसके हवे पूरे बाहर निकला है धूप में। अब यहाँ से गोल बाजार स्टार्ट हो रहा है और हो सके तो मैं बीचों बीच जाऊंगा, पूरा माहौल आपको दिखाऊंगा। बने रहना ब्लॉग में। और गाइस ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट डल रहा है तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्योंकि दो दिन का ब्लॉग भी दो दिन के मैं कैसे डाल सकता हूँ, एडिट करने में समय लगता है। गाइस अभी जो मूवी निकली है जय द लेजेंड हनुमान सीरीज है, और एक हनुमान करके कोई मूवी है, उसको आप देखे हो कि नहीं कमेंट में बताना। बहुत तगड़ी मूवी लगती है मेरे को और बहुत शानदार पिक्चर है उसका। हनुमान का जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा 2024 में, वो देखो इधर इधर चारों साइड सिर्फ हनुमान हनुमान हनुमान, ओनली ऑन भगवान रंग जो भक्त है हम श्री राम की, बोलो जय श्री राम। बहुत भीड़ है यार, सामने ही आप देख सकते हो भीड़ की तगड़ी भीड़ है। ये देखो यहाँ पे है श्री राम मंदिर, जो कि बहुत तगड़ा सजावट हुआ है, भंडारा हो रहे हैं चारों साइड आप देख सकते हो। भंडारा हो रहा है चारों साइड एकदम, यहाँ पे पोर्टल भी भरा हुआ है, पोर्टल का फोटो खिंचा सकते हो। देख सकते हो चारों साइड ओनली ऑन श्री राम का नाम हो रहा है, कोई झंडा लगा घूम रहा है तो कोई भगवा रंग पहन के घूम रहा है। अभी आगे भी हो सकता है भीड़, देवकीनंदन चौक में जो कि हमारे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ भी हो सकता है बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन किया गया हो। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, भीड़ है लेकिन क्या हो गया, आप लोगों के लिए मैं गाड़ी घुसा दूंगा। तो फिर से कहेंगे जय श्री राम। भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, देख सकते हो चारों साइड झंडे लगा के घूमे जा रहे हैं। पूरी पब्लिक जो है भगवा रंग में ही दिख रहा है। यहाँ पास देख सकते हो ये बड़ा जो श्री राम का मंदिर है, ये यहाँ पे शनिश्चर के पास जो बिलासपुर वाले हो तो जानते होंगे, यहाँ भी लगता है भव्य कार्यक्रम हो रहा होगा। ये देखो उद्घाटन का यह सीन दिखाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी भी यहाँ पे दिख रहे होंगे आप, पूरी भीड़ लगी हुई है।
सबको यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं। योगी और मोदी जी दोनों यहाँ पे अपना सिस्टम अयोध्या का लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। भंडारा हो चुका है यहाँ पर सबका, देख सकते हो कचड़े कल सुबह तक साफ हो जाएंगे, लेकिन बिलासपुर है भाई क्लीन सिटी। और आगे भी है कार्यक्रम अपना, आगे चलते हैं, आगे भी कुछ हो सकता है। आगे हनुमान मंदिर है देवकीनंदा चौक में, वहाँ भी हो सकता है लाइव प्रदर्शन हो रहा हो। यहाँ भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। खैर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी जो है क्या बोलते हैं उसको, भंडारा नहीं खा सकता, खाने के लिए फिर से आ जाऊंगा। खैर आप लोगों के लिए वीडियो बनवा दूं मैं। हनुमान जय श्री राम, भक्त लोग भी हैं, एक बार जय श्री राम का नारा लगाते हैं सब हृदय में आग लगती है, उसके बाद सबके मुंह से आवाज निकलता है, बोलो जय श्री राम। बड़ा मोहन गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत कम है। सिर्फ ये बड़े बड़े शहरों में ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलता है, भव्य कार्यक्रम, और गांव में तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरे माहौल का मजा लेते हैं। अभी ये गोल बाजार है, जो सेंटर है गोल बाजार का, सनीश्वरी गोल बाजार के बीच वाला जो भाग है जिसके नाम से गोल बाजार चलता है। अभी आगे देख सकते हैं हम लोग, पूरा माहौल दिख रहा है आगे। बहुत तगड़ा सीन है, बहुत तगड़ा सीन है भाई, बहुत भीड़ है यार। यार गाड़ी को घुसाना पड़ेगा, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, आगे बहुत थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, खाली होगा तो फिर गाड़ी में वापिस जब हो रहा है तो मैं जाऊँगा नहीं भाई। जो जो वीडियो देख रही है, जो जो शानदार थी है यहाँ पे देख सकते हो, मैं भी लूंगा भाई, ये सबको ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.
हो जाए, गाड़ी धीरे धीरे करके घुसाना पड़ेगा। ये हमारे राम है, ये देखो बहुत तगड़ा सीन है भाई, सीधा अयोध्या से लाइव प्रसारण लाजपुर के गोल बाजार में हो रहा है। धीरे से क्लियर हो गई राम का और मैं निकल चुका हूँ आगे। मेरा तो आवाज ही नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, बड़ा रफड़ा है। बच्ची के तरफ से मेरे को एक चॉकलेट मिला भाई, बहुत 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 खुश, बहुत मजा आया। राम से चाचा, राम से चाचा, और इनकी स्कूटी से टूट गई है। ये देखो भाई, अभी आगे भी बहुत भीड़ है भाई। देखो लाइन लगे हुए हैं भंडारा के लिए। सही है, क्या मिल रहा है वैसे? पूड़ी, पूड़ी मिल रहा है भाई, भगवान जी का प्रसाद है। सबको आओ खा के जाओ। थोड़ी देर के बाद मैं भी आऊँगा आपके लिए वीडियो बना के, उसके बाद मैं भी आऊँगा भंडारा खाने। हो सकता है तो मैं अपने घर में खाना नहीं बनाऊँगा, यहीं से खा के जाऊँगा गाइस, इसलिए गलत मत समझना, भंडारा करवा रहे हैं। ये देखो बहुत ही तगड़ा सीन है यहाँ पे भी, शानदार। राम जी के आरती के लिए सब कुछ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पास से गोल बाजार खत्म हो गया है और आगे मिलेगा हमको देवकी नंदन चौक जो कि सामने है, और यहाँ से 100-150 मीटर दूरी पे है। वहाँ भी भव्य कार्यक्रम, भव्य भंडारा का आयोजन है शायद तक, तो वहीं चलते हैं, वहीं देखते हैं फिर क्या कहता है। बने रहना ब्लॉग में, पूरा देखना ब्लॉग को, और जो जो कोई राम भक्त है भाई जय श्री राम जरूर लिख देना कमेंट में, और अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली के पास पूरा बिलासपुर का सीन 22 तारीख का शेयर कर देना, ताकि वो भी मजे ले सके और देख सके। ये देखो यहाँ भी हो रहा है भंडारा, सभी जगह राम जी का प्रसाद बढ़ रहा है, तो आगे जाके खाओ। भाई अभी बिलासपुर में लाइव प्रसारण हो रहा है हमारे बिलासपुर में, सभी जगह बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई है, वो सिर्फ बिलासपुर की पब्लिक के लिए है, बिलासपुर के लोगों के लिए है जो सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं, वो भी अयोध्या राम मंदिर का। रुक जाओ चाचा, मेरे को लगा मेरे को रोक रहा है, लेकिन डर भी लग रहा था, नंबर प्लेट तो सब है, फिर रोक क्यों रहा है। अभी ये देखो देवकी नंदन चौक में हमारे क्या बोलते हैं हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे भी भंडारा होता है। भव्य कार्यक्रम देखो, यहाँ पे पानी पाउच भी रखी हुई है, जिसको भी जरूरत हो सकता है वो ले ले, और जय श्री राम बोल सकते। ये देखो गाइस, ये चीज भी रह गया था देखने के लिए, हम देख चुके हैं, बहुत तगड़ा है और बहुत मस्त बनाया है राम जी का स्टैचू। और इधर है हमारे हनुमान जी का मंदिर, और ये पूरा सामने देख सकते हो आप। लाइक करके शेयर कर देना चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और चलते हैं आगे देखते हैं कि क्या क्या माहौल, कैसा कैसा कार्यक्रम बिलासपुर में हो रहा है। हनुमान जी देखने को नहीं मिले हैं अभी, अभी राम सीता देखे हैं, लक्ष्मण नहीं दिखे हैं, जो बनते हैं बच्चे लोग वो देखने को नहीं मिले हैं। मैं तो खैर नहीं देखा, मैं सिर्फ राम और सीता को देख रहा था, अगर बने होंगे भी तो गाड़ी पर बैठे होंगे, मैं वीडियो में देखूंगा आगे।
क्योंकि मेरे को पता नहीं है क्या क्या दिख रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसके बाद रिकॉर्ड करते रहूँ। ये देखो भाई, इतनी स्पीड में आने की क्या जरूरत है यार। ये हमारा कोई गार्डन है, थोड़ा हटाओ, चलो आगे चलते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। जय श्री राम गाइस।